कुलदीप बिश्नोई के घर चार दिनों तक चली आईटी रेड में क्या निकला अभी तक उसका ब्यौरा नहीं मिला है, लेकिन हरियाणा से लेकर दिल्ली तक राजनीति जरूर शुरू हो गई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर आईटी रेड की कड़ी निंदा की है। जेजेपी ने भी छापों पर हल्ला बोला है। पर विधानसभा से पूर्व किसी राजनीतिक आदमी के इस तरह से तीन दिन तक छापेमारी चलना, ये दर्शाता है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया। छापों की कार्रवाई 75 घंटों से भी ज्यादा वक्त तक चली। बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को इनकम टैक्स के अधिकारी अपने साथ ले गए। कांग्रेसी कार्यकर्ता छापों का विरोध कर रहे हैं। पार्टी ने सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार की दमनकारी नीतियों का आगाज है और सरकार इसको हमें छोटी इमरजेंसी लगा के और हमारे कैंडिडेट लोकसभा के अरेस्ट करके ले जाना, उसको जबरदस्ती पहले वहाँ से आदमपुर से यहाँ लेके आए और फिर वहाँ ले गए और किसी को अंदर नहीं जाने देना, एक बच्चा जो अंदर बंधक बना लिया उसको स्कूल नहीं जाने देना, ये सरकार की दमनकारी नीतियों का परिणाम है। कुलदीप बिश्नोई का आगे क्या होना है ये तो इनकम टैक्स के छापों में मिले सबूतों पर तय होगा। फिलहाल तो सियासी लड़ाई गर्माती जा रही है। R9 TV के लिए हिसार से रुद्रा राजेश कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।